कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर के पिछले भाग में आपने सुना, प्रलय के पश्चात नवीन अरुणोदय को देखकर प्रकृति के अनंत सौंदर्य से अभिभूत होकर मनु के भीतर जीवित रहने की लालसा जागृत होती है। वो अकेलेपन की पीड़ा से मुक्ति का उपाय सोचने लगता है। हिमालय की गुफा में जाकर यज्ञ कर्मकांड की ओर उसका झुकाव होता है। यज्ञ के उपरांत शेष बचा हुआ अन्न कुछ दूरी पर इस आशा से रखाता है कि संभव है उसकी भांति कोई प्राणी जीवित बचा हो तो वो उसे ग्रहण कर ले और जीवित रहे। श्रद्धा का मनु के जीवन में आगमन होता है। वो उसे काम के लिए प्रेरित करती है, उसे प्रश्नों और संदेहों के घेरे से बाहर निकलने को कहती है, क्योंकि काम तो कल्याणकारी है, श्रेयस्कर है। शक्ति का क्रीड़ामय संचार पराजय के बढ़ते व्यापार को विजय की मुस्कान में बदल देगा। तो लीजिए आगे सुनिए कामायनी भाग तीन। एकांत जीवन की वीरसता भंग हो गई। अवश्य तभी तो हृदय में प्रणय की लहरियां रह रहकर नई उमंग जगा रही हैं। श्रद्धा का आगमन जीवन के वन में मधुमय बसंत का आगमन जैसा रहा। श्रद्धे मतवाली कोयल संभवतः तुम्हें देखकर ही मुखर हो उठी है। इन झरनों में, फूलों में श्रद्धा की मादक हंसी ही तो इठला रही है। अपने भीतर मैं एक नव यौवन का संचार अनुभव कर रहा हूं। यौवन का प्रवेश भी कितने विचित्र परिवर्तन ला देता है। यौवन की कृपा से ही रूप में आकर्षण, मन में मादकता, भावों में विकास और जीवन में उल्लास आ जाता है। कौन है? मनु। हाँ? अपने मन के उल्लास को ही नहीं, विश्व के दुर्बोध नीले आवरण को भी देखो। वरुण के ज्योति भरे चल चक्र की ओर भी ध्यान दो, जो बड़ी व्याकुलता से चक्कर काट रहा है। मैं सोचो, तनिक सोचो, इन सौंदर्यमयी चंचल कृतियों के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? सोचो, सोचो। मैं जो कुछ देख सुन रहा हूं वो सब क्या एक भ्रम मात्र है, केवल उलझन है? ये सौंदर्य के पर्दे में क्या कोई अनजाना धन छिपा हुआ है? बोलो बोलो मेरी अक्षय निधि, बोलो, आखिर तुम क्या हो? क्या मैं तुम्हें नहीं पहचान सकूंगा? क्या मेरे प्राणों के उलझे धागों को सुलझाने में तुम किसी सीमा तक सहायक नहीं हो? किसी सीमा तक सहायक नहीं हो? हाँ,
क्या है ये कोलाहल? कैसा है ये कोलाहल? जो कुछ भी हो मैं न संभालूंगा इस मधुर भार को जीवन के। आने दो कितनी आती हैं बाधाएं दम संयम बन के। क्या ये सुषमा दुर्भेद्य बन जाएगी? और क्या मेरी इंद्रियों की चेतना मेरी ही पराजय बनेगी? जो भी हो मैं स्पर्श रूप रस गंध से परिपूर्ण जो भी होगा उसे पी रहा हूं और पीता रहूंगा। बस अब केवल इतना ही पर्याप्त है। मैं सपनों के उन्माद में खो जाऊं। एक मादक नींद मेरे मन में एक प्रमाद भर दे। प्यासा हूं मैं। अब भी प्यासा हूं। प्रलय का जल अपरंपार था लेकिन मैं फिर भी अतृप्त ही रहा। जल अथाह था किंतु मेरी तृष्णा को तनिक भी शांति नहीं मिली। रात दिन मेरा ही अनुशीलन करते हुए देवताओं की सृष्टि प्रलय जल में विलीन हो गई लेकिन मैं उन्मत्त होकर सबको घेरे रहा। मेरा अतिचार थमने का नाम ही नहीं लेता था। कौन हो तुम? कामदेव। मैं हूं कामदेव, देवताओं का सहचर, उनके विनोद का साधन। मैं स्वयं भी हंसता था और उन्हें भी हंसाता था। सब देवता मेरी ही उपासना करते थे। मेरा संकेत उनके लिए विधान बन गया था। और ये खिलखिलाहट, ये हंसी किसकी है? ये अनादि वासना है, देवताओं के आकर्षण का केंद्र। अव्यक्त प्रकृति के अंतरतम में इसके लिए सदैव चाह बनी रहती है। इसी कारण प्रकृति अभिव्यक्ति प्राप्त करती है। हम दोनों के अस्तित्व से ही, काम और रति के कारण ही सृष्टि रूप धारण करती है, आकार प्राप्त करती है। वो देखो, वो मूल शक्ति उठ खड़ी हुई, अपने आलस का त्याग किए, परमाणु बाल सब दौड़ पड़े, जिसका सुंदर अनुराग लिए। सृष्टि का उदय हुआ, चारों ओर जैसे वसंतोत्सव मनाया जा रहा है। पर्वतों के कंठ धन्य हो उठे, सरिताओं की भुजलताएं जो उनके कंठ में आ पड़ी हैं। मैं काम और मेरी सहचरी रति, हम दोनों खुशी से नाच उठे। भूख प्यास की भांति हम हर किसी के मन में जा बसे,
मैं आकांक्षा जगाता था वो तृप्ति देती थी। सबके जीवन में आनंद का समन्वय था। किंतु ये सब तो अब नहीं रहा। तुम भी तो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, किसी भी स्थिति की, किसी भी बात की एक सीमा होती है। सीमा का उल्लंघन होते ही सब कुछ खिसक जाता है। वही देवताओं के साथ भी हुआ। ना तो वे देवता रहे, ना उनका विनोद रहा। मैं भी अनंग हो गया, अदृश्य हो गया। केवल चेतनता ही शेष रह गई। मैं दिखाई नहीं देता, मन में अनुभव होता है मेरा। तब तो इस विश्व का, इस सृष्टि का कोई अर्थ ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये विश्व कर्मों की रंगस्थली है। ये श्रेष्ठतम कार्यों का एक मनोरम नीड है। यहां एक परंपरा है, उत्तमोत्तम कर्मों की परंपरा, जिसमें श्रेष्ठ कर्म करने की जितनी शक्ति होगी उतना ही वो इस विश्व कर्म रंगस्थल में ठहर सकेगा। किंतु अब आगे? आगे आने वालों को आरंभ और परिणाम पर विचार कर कर्म करने होंगे। मैं अब इस नई सभ्यता के विकास के आरंभ में नवीन संसार के निर्माण की प्रेरणा दे रहा हूं। मानव की शीतल छाया में रहकर मैं अपनी कृति का रणशोध करूंगा। देवताओं में मैंने तीव्र वासना का रूप लिया था, किंतु मानव जाति में संयत रहकर मैं अपनी उस भूल का सुधार करूंगा। और वो कौन है जिसने मुझ में जीवन की लालसा जगाई? वो मूल शक्ति है जिसे प्रेम कहते हैं। हाँ? प्रेम से ही संसार रूपी लीला का विकास हो रहा है। प्रेम का संदेश सुनाने के लिए जो इस संसार में आई है, जो जीवन के प्रति लालसा जगाती है, वो श्रद्धा है। श्रद्धा? वो श्रद्धा? लेकिन तुम? हाँ, वो श्रद्धा ही है। वो मेरी और रति की संतान है। वो फूलों की ऐसी डाली के समान है जिसके साथ उसके अनेक रंगों ने खेल रचाकर उसे रंगीन बना दिया है। वो श्रद्धा जड़ और चेतन को एक सूत्र में बांधने वाली है। वो सभी भूलों को सुधारने वाली है। वो जीवन को क्षुब्ध और व्यथित करने वाले विचारों को शांत करती है और जीवन में आनंद का संचार करने वाली भी वही है। किंतु मैं उसे, वो तो मुझे, उसको पाने की इच्छा हो तो योग्य बनो, योग्य बनो, योग्य बनो। देव, हे देव, वो कौन सा मार्ग है जो श्रद्धा तक पहुंचाता है? हे देव, देव, कुछ तो कहो, उस ज्योतिर्मयी को पाने का क्या उपाय है? देव, क्या उपाय है, क्या उपाय है? हो गया। सारी प्रकृति अटखेलियां करने लगी। उधर लता कुंज में स्वर्णिम रश्मियां क्रीड़ा कर रही हैं। साथ ही अवसादग्रस्त हुए सोम सुधारस का पान करने की लालसा लिए मनु जीवन पथ पर चल पड़े। यही अवसर है मुझे भी अपना माया जाल
फैलाना होगा। मेरा नाम वासना है। मेरे नाम की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब मैं मनु के मन में उद्दीप्त भावनाओं को जागृत करूंगी। उसको पाने की इच्छा हो तो योग्य बनो, योग्य बनो, योग्य बनो। हाँ ले खा ले, ये तो तुझे प्रिय है ना। अरे खाना, ओह कितना प्यारा है तू। अरे 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 भक्त कहाँ है? पकड़ लिया ना तुझे। अरे क्या करता है? ये पशु और इतना सरल सुंदर स्नेह। अच्छा ये ले ले। पल रहे मेरे दिए जो अन्न से इसके, तब मेरी स्थिति क्या है? मेरा अस्तित्व कहाँ है? मेरे भाग्य में क्या तुच्छ वैराग्य ही लिखा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वो सब कर दिखाऊंगा जिससे जिससे संसार की समस्त सुंदर वस्तुओं पर मेरा अधिकार होगा। आप खा लिया ना। अरे तुम अभी तक ध्यान लगाए ही बैठे हो? देखो तो संध्या कब की जा चुकी है, रात्रि फेरने लगी है। तुम्हारी स्थिति बड़ी विचित्र है। तुम्हारी आंखें कुछ और देख रही हैं, कान कुछ और सुन रहे हैं, तुम्हारा मन कहीं और है। आज तुम्हारा रंग ही बदला हुआ है, बात क्या है बोलो ना। रहने दो, रहने दो, बस मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाने की क्या आवश्यकता है? इस पशु को सहलाती रहो, इतना ही बहुत है। किंतु मनु। किंतु परंतु कुछ नहीं। श्रद्धा मैं पूछता हूं, तुम इतनी देर तक कहां रही, कहां चली गई थी? तुम कौन हो? मैं तुम्हें अभी तक समझ नहीं पाया। एक ओर तो तुम मुझे अपनी ओर आकृष्ट करती हो और दूसरी ओर तुम पीछे हटती जाती हो। तो क्या मैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम अनंत सौंदर्यशाली हो, मनुष्यों की तो बात ही क्या, तुम्हारा आकर्षण पशुओं को भी प्रेम करने के लिए विवश कर देता है। मैं तो अतिथि मात्र हूं, इससे अधिक परिचय व्यर्थ है। लेकिन बात क्या है जो तुम आज मेरे परिचय के लिए इतने व्याकुल हो? इससे पहले तो कभी ना थे। छोड़ो, जाने दो इन बातों को। चलो चलकर इस मनोरम चांदनी में कहीं घूम आए। देखो तो लगता है जैसे समस्त प्रकृति चांदनी में नहा रही है। आओ ना, चले ना श्रद्धा। चलो ना, चलो चलो चलो। तुम तो व्यर्थ ही रूठ जाते हो। यहाँ यहाँ इधर आओ, इधर आओ। वो देखो, उस तरफ देखो। और श्रद्धे, हाँ? वो देखो ना, देख रही हो ना, देवदार के ये निकुंज जैसे सुधा में नहा उठे हैं। हाँ। चारों ओर एक उत्सव है, एक जागरण की रात जैसे नृत्य कर रही है। माधवी लता की सुगंध को पवन किस तरह प्रकृति को लौटा रही है। हे श्रद्धे, आओ हम इस झुरमुट में ही विश्राम कर लें। जैसी तुम्हारी इच्छा। आओ। आ,
हे अतिथि अतिथि अच्छा श्रद्धे पता है मैंने तुम्हें पहले भी अनेक बार देखा है हाँ? लेकिन मुझे तुम इतनी सुंदर पहले कभी दिखाई नहीं दी, इतनी सुंदर कभी नहीं जितनी जितनी सुंदर आज लग रही हो। क्या मैं इसे अपना पूर्व जन्म कहूं? मुझे अपना अतीत याद आने लगा है। ठीक ठीक वो ही क्षण मेरे सामने है जब जब मदिर घन में वासना के गीत गूंजा करते थे। मनु तुम कहीं आज नहीं श्रद्धे नहीं भूल कर जिस दृश्य को मैं बना आज अचेत वही दृश्य मुस्कुरा कर मानो दे रहा कोई संकेत। मुझे अब निश्चय हो गया है कि मैं अब तुम्हारा होता जा रहा हूं। मैं तो तुम्हारे समीप ही हूं मनु फिर भी तुम हाँ तुम मेरे समीप हो फिर भी मेरे प्राण न जाने इतने अधीर क्यों हैं? आज क्यों संदेह होता रूठने का व्यर्थ क्यों मनाना चाहता सा बन रहा असमर्थ। मनु मेरी धमनियों में बहता हुआ रक्त वेदना सा प्रतीत हो रहा है श्रद्धे मेरा हृदय रह रह कर धड़क रहा है मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आखिर ये सब क्या है। मनु मनु अब तुम ना तो मुझसे कुछ पूछो और ना ही कुछ कहो केवल केवल इस निर्मल मूर्तिमंत चांदनी को निहारते रहो। वही तो देख रहा हूं श्रद्धे जैसे जैसे मैं इस चांदनी के रूप को देखता जाता हूं वैसे वैसे ही इसकी प्रगाढ़ छाया मुझे व्यग्र करती जाती है व्यग्र करती जा रही है। मनु आज मुझे तुम्हारी कुछ दूसरी ही मधुमय छवि दिखाई दे रही है। हाँ वही पहले जैसी छवि ठीक जैसे वही है। क्यों क्या मैं भूल रहा हूं? नहीं नहीं आज मुझे बहुत सी भूली हुई बातें याद आ रही हैं। बचपन में मेरी एक संगिनी थी जिसका नाम श्रद्धा था वो कामदेव की पुत्री थी मेरे मन प्राण को उसी से निरंतर विश्राम मिला करता है। ये तुम्हें क्या हो गया है सखे क्या कहे जा रहे हो तुम? हाँ श्रद्धे मुझे ठीक ठीक याद है प्रलय हो गई थी लेकिन हम दोनों प्रलय के बाद भी बच गए थे। ये मिलनोत्सव जो मनाना था हमें श्रद्धे ये हे देव क्या आज का ये समर्पण नारी के हृदय के लिए एक शाश्वत बंधन बन जाएगा? मैं ठीक से समझ नहीं पा रही ये समर्पण है या बंधन? ओ प्रिय श्रद्धा तुम्हारी ये छवि तुम्हारी ये कुटिल कुंतल घुंघराले काले बाल एक माया जाल से मेरे चारों ओर रच रहे हैं।
तुम्हारा ये अनुदान, ये समर्पण है देव। मैं ग्रहण तो कर रही हूँ, किंतु इसके उपभोग करने में मेरी प्राण विकल हुए जा रहे हैं। मैं कैसे इतना भार संभाल पाऊंगी? मनु में कैसे इतना भार? होश मनु, शक्ति मनु। कामायनी, अभी आप जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक का तीसरा भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, प्रस्तुतकर्ता नवीन, संगीतकार रास बिहारी दत्ता, ध्वनि अंकन के एन जोशी, निर्माण प्रबंध प्रियंका। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, नरेंद्र जोशी, हर्ष बाला और